दमा यानी कि अस्थमा फेफड़ों की एक बीमारी है जिसमें सांस लेने वाली नली सिकुड़ जाती है। इसमें सूजन आ जाती है और गले में ज़्यादा बलगम निकलने लगता है जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है। इसके अलावा खांसी और गले में घरघराहट होती है। आजकल यह बीमारी बहुत ज़्यादा आम हो गई है। अस्थमा बड़ों को ही नहीं बल्कि बच्चों को भी अपनी चपेट में ले लेता है। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ निदा और आज मैं आपको बताऊंगी अस्थमा के कारण और इसके कुछ लक्षण। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, दमा के कॉजेज ये हैं। दमा कई कारणों से होता है, कई बार जेनेटिक हो सकता है और कई बार आनुवंशिक भी हो सकता है। जैसे कि कुछ कारण ये हैं, जैसे कि नंबर एक, दवाइयों का ज़्यादा यूज़ करने के कारण कफ सूख जाने से भी दमा हो जाता है। नंबर दो, खान पान के गलत तरीकों से भी यह रोग हो सकता है। नंबर तीन, नशीली चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करने के कारण भी दमा हो जाता है। नंबर चार, भूख से ज़्यादा खाना खाने के कारण भी दमा हो सकता है। नंबर पाँच, लंग्स, किडनी, हार्ट और आंतों में कमजोरी के कारण भी दमा हो जाता है। नंबर छः, खून में किसी भी तरह की बीमारी होने के कारण भी दमा हो सकता है। नंबर सात, इंसान की सांस लेने वाली नली में धूल और ठंड लग जाने के कारण भी दमा हो जाता है। नंबर आठ, पेशाब को बार बार रोकने के कारण भी दमा हो सकता है। नंबर नौ, आसपास के प्रदूषण से होने वाली एलर्जी के कारण भी यह रोग हो सकता है। नंबर 10, जन्म के टाइम कम वजन और टाइम से पहले बच्चा पैदा करने के कारण भी दमा हो सकता है। नंबर 11, स्मोकिंग के कारण भी दमा हो सकता है। नंबर 12, सांस ज़्यादा फूलने के कारण भी यह रोग हो सकता है। फ्रेंड्स, किसी भी बीमारी से बचने के लिए हमें उस बीमारी के लक्षणों का पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें लक्षणों का पता होगा तभी हम उसका इलाज ठीक से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अस्थमा यानी कि दमा के कुछ लक्षण ये हैं, जैसे कि नंबर एक, बलगम वाली खांसी या बिना बलगम के सूखी खांसी का आना। नंबर दो, सीने में जकड़न जैसा महसूस होना। नंबर तीन, सांस फूलना या फिर सांस लेने में प्रॉब्लम का होना। नंबर चार, सांस लेते या फिर बोलते टाइम घरघराहट जैसी आवाज़ आना। नंबर पाँच, जोर जोर से सांस लेने के कारण थकान का महसूस होना। नंबर छः, दमा का दौरा आमतौर पर अचानक शुरू होता है। नंबर सात, लगातार छींके आना। नंबर आठ, सीने में जकड़न और दर्द का हो। नंबर नौ, कुछ व्यक्तियों में एक्सरसाइज करते टाइम दमा के लक्षण ज़्यादातर नज़र आते हैं। नंबर दस, फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोगों में धूल, गैस, धुआं और केमिकल के कारण अस्थमा हो सकता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए और हमारी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, निदा हेल्थ केयर। थैंक यू।